हेलो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेटर 4 को अपनी लोकल सर्वर XAMPP में सेटअप करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम यूज़र के रजिस्ट्रेशन पेज को बूटस्ट्रैप 4 के साथ डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटर 4 में इन्वायरमेंट वेरिएबल को किस तरह डिफाइन करते जानेंगे। तो हम कोऑर्डिनेटर फोल्डर में जाकर होम कंट्रोलर की फाइल को ओपन कर लेते हैं, जिसमें ये मैसेज हमने एको कर रखा है जो कि हमें साइट पर शो भी हो रहा है। अब हम प्रोजेक्ट में कुछ एरर को क्रिएट कर लेते हैं और फिर से ब्राउज़र में पेज को रिफ्रेश करते हैं। हम देख सकते हैं कि जो एरर हमने क्रिएट किया था वह शो नहीं हो रहा है। तो प्रोजेक्ट के किसी भी एरर को शो करवाने के लिए प्रोजेक्ट के रूट पाथ में एक ENV फाइल होगी, जिसको आपको रीनेम करके .env कर देना है और ये फाइल एक्टिव हो जाती है। और इस फाइल के फॉर्मेट को सेट करवाने के लिए आप इस एडिटर में एक्सटेंशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है .env। इसे डाउनलोड करने के बाद .env फाइल का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इस समय फाइल के सभी वेरिएबल डिसेबल हैं। इन्हें इनेबल करने के लिए आपको वेरिएबल के आगे से हैश को रिमूव करना होगा और आपका वेरिएबल इनेबल हो जाएगा। इस समय इन्वायरमेंट वेरिएबल प्रोडक्शन के मोड पर सेट है, यानी कि अगर एप्लीकेशन में कोई एरर आता है तो हमें वह एरर शो नहीं होता है। एरर को शो करवाने के लिए हमें इसे डेवलपमेंट के मोड पर सेट करना होगा। इसके बाद यदि एप्लीकेशन में कोई एरर आता है तो हमें वह शो होगा। इस तरह से प्रोजेक्ट की किस लाइन में एरर है वह अब हमें शो होगा। इसके बाद हम बेस URL को सेट करते हैं। यदि आपने कोऑर्डिनेटर 3 का यूज़ किया होगा तो आपको मालूम होगा कि बेस URL को किस तरह से सेट करते हैं। इसे हम दो तरीकों से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड में हम .env फाइल में जाकर बेस URL को सेट कर सकते हैं। इसमें हम अपने साइट का रूट URL देते हैं इस तरह से। दूसरे तरीके से हम इसे प्रोजेक्ट की कॉन्फिग फाइल में बेस URL को सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्फिग फोल्डर में app.php फाइल को ओपन करना होगा। इसके बाद बेस URL के वेरिएबल में हम अपने बेस URL को सेट कर सकते हैं। तो हम .env फाइल में बेस URL के वेरिएबल को डिसेबल कर देते हैं। के बाद इसी app.php फाइल में हम अपने टाइम जोन को भी सेट कर सकते हैं। फाइल की नीचे की तरफ हमें app टाइम जोन के नाम से एक वेरिएबल दिखेगा, जिसमें हम अपने कंट्री के अनुसार टाइम जोन को सेट कर सकते हैं। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो इसके लिए मुझे इसमें एशिया कोलकाता को सेट करना होगा। अब हम अपने साइट पर जाते हैं और देखते हैं कि नीचे की तरफ कोऑर्डिनेटर का आइकन दिखाई दे रहा है। ये कोऑर्डिनेटर 4 का नया फीचर है, जिसका नाम है डीबग टूलबार, जिस पर क्लिक करके हम एक्टिव पेज के डाटा को देख सकते हैं। इस टूलबार को हम अपने अनुसार ऊपर या नीचे सेट भी कर सकते हैं। इस टूलबार के पहले ऑप्शन में पेज का लोडिंग टाइम, यानी कि पेज कितनी देर में लोड हुआ और पेज का साइज भी दिया होता है। इसके बाद हम फाइल्स को देख सकते हैं कि हमारे इस पेज में कौन सी फाइल लोड हुई है, और ऐप के सभी राउट्स को भी देख सकते हैं। और भी बहुत सी पेज की इंफॉर्मेशन इस टूलबार के द्वारा हम देख सकते हैं। इस टूलबार को ऑन करने के लिए आपको एप्लीकेशन के इन्वायरमेंट वेरिएबल को प्रोडक्शन से हटाकर डेवलपमेंट मोड में सेट करना होगा, जो कि हमने पहले कर दिया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट मोड में टूलबार को ऑफ करना, तो इसके लिए हमें कॉन्फिग फोल्डर के बूट फोल्डर में डेवलपमेंट नाम की फाइल को ओपन करना है, जिसमें हम CI डिबग के वेरिएबल की वैल्यू को अगर फॉल्स कर देते हैं तो टूलबार दिखाई देना बंद हो जाएगी। फिलहाल डिबग टूलबार को हम ऑन ही रहने देते हैं। इसके बाद हम कंट्रोलर फोल्डर में जाते हैं और नया कंट्रोलर बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं यूजर्स। इसमें हम डिफॉल्ट कोड को पेस्ट कर देते हैं, जिसमें क्लास नाम को चेंज कर देते हैं और क्लास के इंडेक्स फंक्शन में कस्टम मैसेज को इको करते हैं, जो हमारे कंट्रोलर का नाम है। और कंट्रोलर में जो पब्लिक फंक्शन होता है उन्हें हम URL में राउट की तरह एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले अपने बेस URL को देना होता है, जो कि साइट का रूट URL होता है। इसके बाद हम उस कंट्रोलर का नाम जिसे हम कॉल करना चाहते हैं, उसके बाद कंट्रोलर के मेथड का नाम देते हैं। अगर आप कंट्रोलर के मेथड के नाम को नहीं देते हैं तो ये कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड को वॉइड डिफॉल्ट कॉल कर लेता है, और इस तरह इंडेक्स मेथड का आउटपुट प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं तो इंडेक्स मेथड को URL में लिखकर भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद यूजर रजिस्ट्रेशन पेज को बनाने के लिए प्रोजेक्ट के व्यू फोल्डर में जाते हैं और नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिसका नाम रखते हैं हम यूजर्स। आप अपने अनुसार व्यू फाइलों को व्यूज फोल्डर में किसी भी फोल्डर में दे सकते हैं। फोल्डर क्रिएट होने के बाद यूजर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्यू फाइल को क्रिएट करते हैं, जिसका नाम रखते हैं हम रजिस्ट्रेशन।
अब इस व्यू फाइल को हम यूजर्स कंट्रोलर में इंडेक्स मेथड में लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद हम साइट पर जाते हैं और साइट को रिफ्रेश करते हैं। हमें यहाँ पर कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होता है क्योंकि हमने व्यू फाइल को लोड तो कर लिया है लेकिन व्यू फाइल का कंटेंट एम्प्टी है। तो इसमें हम कुछ इनपुट कर लेते हैं और फिर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमें व्यू फाइल का आउटपुट प्राप्त होता है। के बाद हम इंडेक्स मेथड का नाम चेंज करके रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और ब्राउजर में भी चेंज करते हैं जो कि ओपन हो रहा है। हम यूआरएल को चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कॉन्फिग फोल्डर में राउट्स की फाइल को ओपन करना है और इसमें हम अपने राउट को डिफाइन कर सकते हैं। ये राउट गेट राउट है यानी कि इसे हम केवल गेट रिक्वेस्ट के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं। इस मेथड के पहले पैरामीटर में हम राउट का नाम डिफाइन करते हैं और दूसरे पैरामीटर में कंट्रोलर और उसके मेथड को डिफाइन करते हैं जिसमें हमारा कंट्रोलर का नाम है यूजर्स और मेथड का नाम है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हम राउट के नाम को डिफाइन कर लेते हैं। राउट यूआरएल की तरह ही होता है। अब हम इस राउट को ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं जो कि ओपन हो जाता है। अब हम यूजर्स के लॉगिन और प्रोफाइल मेथड को यूजर्स कंट्रोलर में बना लेते हैं और इन दोनों के लिए व्यू फाइल को भी व्यू फोल्डर में क्रिएट कर लेते हैं। व्यू फाइल को क्रिएट करने के बाद इन दोनों मेथड के लिए हम राउट्स को भी राउट्स फाइल में डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हमें केवल मेथड के नाम और राउट के नाम को सेट करना होगा। अब हम इन दोनों राउट्स को ब्राउजर में ओपन करके देख लेते हैं कि ये ओपन हो रहे हैं या नहीं। इस तरह से यूजर के लिए पेज तो बन गए हैं। अब बारी है व्यू फाइल को डिजाइन करने की। इसके लिए हम बूटस्ट्रैप 4 का यूज करेंगे। तो हम बूटस्ट्रैप 4 की साइट को ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं और इस गेट स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। हम इस बूटस्ट्रैप 4 की टेम्पलेट को सोर्स कोड में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यू फोल्डर में 3 नई फाइलों को क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हेडर, फूटर और नैब। हेडर फाइल को ओपन करते हैं और इसमें बूटस्ट्रैप टेम्पलेट के सोर्स कोड को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इस हेडर व्यू फाइल को कंट्रोलर के मेथड में लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद ब्राउजर में जाते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी हेडर फाइल का कोड रन हो रहा है लेकिन यूजर रजिस्ट्रेशन पेज का कंटेंट नीचे की तरफ शो हो रहा है। इसके लिए बाकी की व्यू फाइल, फूटर और नैब को इस कंट्रोलर मेथड में लोड करवाना होगा। इस तरह से इसके बाद हम हेडर फाइल में जाते हैं और बॉडी टैग के नीचे तक के कोड को कॉपी करके फूटर फाइल में पेश कर देते हैं। अब यूजर रजिस्ट्रेशन पेज का कंटेंट बॉडी टैग के ठीक नीचे लोड होगा। इसके बाद हम यूजर रजिस्ट्रेशन पेज को ऑफ स्क्रीन डिजाइन कर लेते हैं। इस कोड में मैंने बेस यूआरएल का यूज करके लॉगिन पेज पर जाने के लिए राउट को डिफाइन किया है। अब अपने ब्राउजर में जाते हैं और चेक करते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन पेज किस तरह से दिख रहा है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इससे अगली वीडियो में हम इस यूजर रजिस्ट्रेशन पेज में फॉर्म वैलिडेशन को किस तरह से लगाते हैं जानेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे आपको अगली वीडियो का पता चल जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।